तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं हरदीप की अपडेट की वीडियो को लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम पवनदीप और अरुणित की लगातार हो रही लाइव कॉन्सर्ट की कुछ ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हम एक एक करके आपको बताते रहेंगे। और नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि यहाँ पर आपको हरदीप से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बताते हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई हरदीप का गाना कह दो, जिसको लेकर कुछ ऐसी ट्रोलर लोग जो हरदीप को पसंद नहीं करते और वो लोग कुछ न कुछ तरीका ढूंढते रहते हैं जिससे पवनदीप और अरुणिता का नाम खराब। तो ही आपको पता था ऐसी खटिया लोग बोल रहे कि पवनदीप और अरुणिता का गाना जो सलीम सा लेकर आए हैं वो गाना रिमेक है, और साथ ही बोल रहे कि सॉन्ग की वीडियो आइडिया, टाइटल और लेरी दूसरे किसी गाने से कॉपी किया है, ऐसा उनका कहना है। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये गाना अगर कॉपी हुआ ना तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। मतलब दोस्तों ये लोग इतना खटिया कि मैं आपको बता नहीं सकता, ये लोग ना ही कुछ सोचते हैं और ना ही इनके पास दिमाग है। दोस्तों मैं आप सभी हरदीप फैंस को बताना चाहूंगा कि ऐसी लोगों की बातों को यकीन ना करें। मैंने यूट्यूब पर गूगल पर हर जगह सर्च करके देखा लेकिन इसकी कोई प्रूफ नहीं मिला जिसे ये गाना रिमेक हो। ये गाना बहुत ही अच्छी और खूबसूरत है। तो दोस्तों आगे बताते चले, हरदीप की हाल ही में एक शो के दौरान अरुणिता कंजरल एक बार फिर से ट्रोलर का शिकार हुई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा 1 फरवरी को पवन अरुणिता का एक लाइव कॉन्सर्ट था चेन्नई में, और वहाँ से चॉकलेट पाई उनके उस कॉन्सर्ट को लाइव दिखा रहे थे अपने इंस्टाग्राम पर। तभी उस लाइव कॉन्सर्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर अरुणिता के फैंस के साथ ही साथ चॉकलेट पाई का भी शर्म के मारे आके झुक गया होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उस कॉन्सर्ट में जब चॉकलेट पाई अरुणिता कंजरल की परफॉर्मेंस अपने इंस्टाग्राम पर लाइव दिखा रहे थे, तभी गंदगी फैलाने वाले कुछ खटिया लोग जो फेक अकाउंट बनाकर उस लाइव में अरुणिता कंजरल की कपड़ों के बारे में गंदी गंदी कमेंट करने लगे। जी दोस्तों, वो लोग इतनी बुरी तरीके से अरुणिता कंजरल को ट्रोल करने लगे कि जिसके चलते चॉकलेट पाई को लाइव बंद करवाना पड़ा। तो आप सोच ही सकते हैं, जहाँ एक तरफ अरुणदीप को इतना सारा प्यार मिल रहे हैं उनके हर एक शो में, उनके हर एक गानों में, तो ही दूसरी तरफ कुछ ऐसी ट्रोलर लोग जो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं गंदगी फैलाने में। तो दोस्तों आप क्या बताना चाहेंगे ऐसी लोगों को और उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप थोड़ा बात करते हैं पवन अरुणिता का गाना कह दो की अपडेट के बारे में। तो आपको पता था इस सॉन्ग में अब तक 1.4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुका है। जी हां, तो वही बात करें सबसे बड़ी ऑडियो म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई की, तो उसमें उनका ये गाना कह दो 1 लाख का स्ट्रीमिंग की है, जो कि बहुत ही अच्छी नंबर है दोस्तों, क्योंकि इतनी जल्दी इतना स्ट्रीमिंग मिलना अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात होती है। तो दोस्तों क्या आप भी अरुणदीप की फैंस यदि है तो हमारे आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले और एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।